चेक दैट, बट यस यहाँ पे $1.50 है, या फिर यू कैन ऑल्सो पे बाय कार्ड। तो अगर आप कार्ड से पे करते हो तो 25 सेंट्स ज़्यादा पड़ेगा। Is what's up, how are you all, and once again welcome back to my channel. I know you're not used to seeing me, actually you are not cam, I am not used to wearing round neck t-shirts a lot, but then recently maine ek naya khareeda to socha ki chalo aaj round neck t-shirt pehen ke ek vlog banate hain. I think kafi time baad main khud ek round neck t-shirt pehen raha hu. Parson main shopping ke liye gaya tha, matlab aise hi jab hum log Manhattan street pe chal rahe the tab wahan pe ek shop mein mujhe dikha to maine utha liya plain white, kuch aisa fancy nahi, but I think I just like the way I'm looking in this. And by the way, the AC is back on now because temperatures फिलहाल बढ़ रहा है. एंड guys don't know, मुझे यूजुअली बहुत गर्मी लगती है. लॉट ऑफ पीपल कॉल मी पोलार बेयर बिकॉज ऑफ दैट, कि मुझे ज़रा से भी गर्मी सहन नहीं होती. एंड दैट इज़ वाई आई हैव पुट द एसी बैक ऑन, बिकॉज अभी जैसे ही टेम्परेचर पड़ेगा आई विल यूज़ द एसी मोर, अदरवाइज मुझे नींद तो आने से रही. आई वॉज वर्किंग फ्रॉम होम टुडे बिकॉज अगर आपको याद होगा दो व्लॉग पहले जो मतलब जो एयर टैग लेने गया था मैं व्लॉग, वो वाला जो व्लॉग था उसमें मैंने बताया था कि उस दिन हम लोग शूट करने गए थे, तो आप वो जो शूट किया था आई वॉज एडिटिंग ऑल ऑफ दैट पार्ट टुडे एट होम. यूजुअली थोड़ा अच्छा लगता है इफ़ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो ट्रैवल टाइम थोड़ा बच जाता है, उसके साथ ही यू नो लाइक यू कैन वेक अप अ लिटिल लेट देन व्हाट यू वुड वेक अप टू जस्ट गेट रेडी एंड देन लीव एंड देन कम्यूट टाइम वगैरह, वो सब थोड़ा बच जाता है. तो आई एम अ लिटिल लेस टायर्ड इफ़ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, इसलिए आई जस्ट ट्राई टू वर्क फ्रॉम होम एटलीस्ट लाइक एक दिन हो गया हफ्ते का, एक या दो दिन मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ. बट कल अपने को जाना पड़ेगा ऑब्वियसली ऑफिस, एंड फिर मैं बस अपना स्कूटर चार्ज वार्ज करके रेडी कर रहा था, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्कूटर का टायर है इसमें हवा जो है वो थोड़ा कम है. आई डोंट नो इफ यू कैन सी, ये इजीली यहाँ से दब रहा है. एंड द रीज़न दैट आई एम अफेड इज़ नॉट बिकॉज कि इट्स अनयूजअल हवा कम होना, ऑब्वियसली टायर है तो हवा कम हो गए, बट ये हवा मैंने फ्राइडे को ही भरा था, तो आई एम सस्पेक्टिंग कि देयर इज प्रॉबली अ पंचर. बट अभी मैं सिर्फ जाके प्लान कर रहा हूँ कि फिलहाल अभी बस हवा भरूँ इसमें एंड देन आई गेट दिस रनिंग. बिकॉज इफ़ यू गाइज डोंट नो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल, मैं बता दूँ कि ये जो स्कूटर है आई टेक इट एवरी डे टू माई ऑफिस. मेरे कम्यूट का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ये स्कूटर, इट सेव्स मी लॉट ऑफ टाइम जो मुझे अदरवाइज बस वगैरह से जाने में लगता है. सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस बेबी एटलीस्ट फॉर सम टाइम. तो लेट्स गो एंड फिल सम एयर इन दिस. फर्स्ट आई ऑल्सो शो यू कि यहाँ पे लोकल पेट्रोल से यूजली हवा भरने का क्या सिस्टम है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो लेट्स गो. एंड आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं, बट अचानक से ये हल्की सी ड्रिजलिंग चालू हो गई है. आई जस्ट हेट द रेन ऑनेस्टली, बट क्या करें, अपने हाथ में तो है नहीं कुछ. आई कैन एक्चुअली फील कि इसका जो हवा है वो कम है, मतलब मुझे फील हो रहा है चलाते वक्त, विच इज़ नॉट सो नाइस. जल्द से जल्द भरवाना ज़रूरी है. आई थिंक अगर इसके बाद वापस कम हुआ तो आई जस्ट चेक फॉर अ पंचर वगैरह, बट फॉर नाउ बिकॉज यहाँ आस पास कोई ऐसा साइकिल वाला शाम तक खुला रहता नहीं है, यूजुअली सब जल्दी बंद हो जाते हैं, तो इसलिए आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू जस्ट गो एंड फिल एयर. ऑल्सो मैं जल्दी क्या कराने वाला हूँ कि आई एम गोइंग टू ऑर्डर अ पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर, जो यूजली लोग गाड़ी वगैरह में रखते हैं वैसा ही कुछ, बट समथिंग दैट आई कैन कीप एट माई हाउस, तो बस घर पर ही हवा भरा सके. न्यूयॉर्क में जो मैंने देखा है एयर जो है वो कई जगह पे फ्री होता है, कई जगह पे पेड होता है. जो मेरे ऑफिस के पास एक जगह है वहाँ पे पेड है, तो वहाँ पे हैव टू पे $1 टू फिल एयर. कई जगह पे इट्स 50 सेंट्स और समथिंग, टाइम के हिसाब से भी होता है कुछ कुछ जगहों पे. सो आई एम नॉट श्योर ये 7-Eleven वाले पंप पे एग्जैक्टली कैसा है, आई जस्ट गो एंड चेक. आई थिंक ये सामने जो है छोटा सा, दैट इज़ द एयर का पंप, यहाँ तो पेट्रोल पंप है. Yes, this is it. Okay. So यहाँ पे कॉइन डालना है, इंस्ट्रक्शन कॉइन. फिर ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे यू कैन सेट द टायर प्रेशर, मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है कितना जाता है इसमें, सो आई हैव टू चेक दैट. बट यस यहाँ पे $1.50 है,
या फिर यू कैन ऑल्सो पे बाय कार्ड। तो अगर आप कार्ड से पे करते हो तो 25 सेंट ज़्यादा पड़ेगा, अगर आप डायरेक्ट कॉइन डालते हो तो 150। सो आई थिंक मेरे पास अभी उतने कॉइन्स तो है नहीं, सो आई जस्ट पे बाय कार्ड। रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग ऑन। आगे वाले में ट्राई करता हूँ भर के, दैट वर्क्स। सो जितना मैंने भर सका मैंने उतनी हवा तो भर दी है। ऑनेस्टली बताऊँ तो आई एम नॉट कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, तो प्रॉबेबली मैं कल मेरे ऑफिस के यहाँ जो है पंप वहाँ पे वापस भराऊँगा शायद, बिकॉज यहाँ पे उतना अच्छे से नहीं भरा हवा। बट एनीवेज जो भी है जैसा भी एटलीस्ट थोड़ा भरा है, सो आई कैन फील अ लिटिल बिट डिफरेंस, बट आई कैन नॉट फील सो मच ऑफ अ डिफरेंस। तो इवन दो आई सेड दैट आई हेट द रेन्स, बट फिलहाल एकदम मुंबई के बारिश जैसा मौसम हो गया है। मतलब द टेम्परेचर, वो थोड़ी मिट्टी की खुशबू टाइप वो सब हो रहा है जो यूजुअली। ये दो कुत्ते भिड़ ना दे मेरे पीछे आजू बाजू, थैंक गॉड, मुझे लगा कहीं मुझे ना पकड़ ले। एनीवे सो यस आई वाज सेइंग कि मुंबई की बारिश जैसा वेदर हो गया जैसे मुंबई के मानसून में होता है, एकदम मस्त और प्लेजेंट और पता नहीं ऐसी फ्रेश सी खुशबू आती रहती है हमेशा, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है अभी। सो आई एम बैक होम एंड एज यू कैन सी ये हवा जो है वो प्रीटी मच भर गई है यहाँ पे। सो जो एक प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो गया। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ काफ़ी टाइम पहले शेयर किया था। जो लोग नए हैं उनको शायद पता ना हो, बट देन जो लोग मेरे व्लॉग्स काफ़ी टाइम से देख रहे हैं एटलीस्ट एक दो महीने से, उनको पता हो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा बिल जो इलेक्ट्रिसिटी का वो अचानक से बहुत ज़्यादा आया था। इट वॉज अराउंड $700-$800 विच इज़ अराउंड 50,000 or 55,000 इंडियन रुपीज़। तो हम लोग काफ़ी डर गए थे उस टाइम पे बिकॉज कि अचानक से इतना ज़्यादा कैसे आया, लाइक डिड वी डू समथिंग रॉन्ग, इज दिस अ मिस्टेक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड आप में से काफ़ी लोग ने ये भी कहा था कि ड्यू टू द लॉकडाउन वो लोग मीटर रीडिंग लेने नहीं आए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट ये बिल ज़्यादा है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो हम लोग ने क्या किया कि वी कॉल देम अप एंड व्हाट यू गाइस सेड वाज पार्शियली राइट। बेसिकली यहाँ पे कैसे होता था पहले कि एक सादा मीटर लगता है एंड उस पर एक एस्टिमेट अमाउंट वो लोग सेट करते हैं कि बाबा इतना आप लाइक एज एन एस्टिमेट यू स्पेंड दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बताता। What they did is recently they changed that to a smart meter, and what a smart meter does is smart meter में actually proper जो exact आपका इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है उसके हिसाब से यू आर बिल्ड। तो वेन दे डिड दैट तब उन्हें पता चला कि हमारा जो यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा है जो पुराना सेट वैल्यू था उससे, तो उसके हिसाब से वो लोग ने एडजस्ट किया था। वी स्टिल कॉल देम अपन वी सेट कि कैन यू जस्ट चेक कि शायद कोई गलती हुआ होगा, बिकॉज हम लोग इतना ज़्यादा तो कुछ यूज़ करते नहीं है, जो बेसिक यूज़ होता है वही होता है। सो दे चेक एंड दे फाउंड आउट कि देयर वाज सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी, कुछ तो गलत था। सो जो $800 का जो बिल आया था वो कम होके इट केम डाउन टू अराउंड 300 एंड देन नेक्स्ट मंथ वगैरह का इंक्लूड करके फाइनल हम लोग को पे करना पड़ा $400, विच इफ़ यू गाइज डिवाइड इन फोर पीपल तो इट्स लाइक $100 पर हेड, तो जो बहुत ज़्यादा होने वाला था उससे थोड़ा कम हो गया, तो इट इज़ फाइन। इट इज़ माई एडवाइस टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग टू द यूएस, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, कि अगर कहीं पर भी लग गई इलेक्ट्रिसिटी है, कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि यू आर बींग ओवर चार्ज और यू आर बींग चार्ज फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट राइट, प्लीज आस्क द अथॉरिटीज, दे आर वेरी हेल्पफुल यूजुअली एंड दे हेल्प आउट। मतलब भले पूरा कम ना हो बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत कम हो जाए या फिर यू नो एटलीस्ट यू गेट अ प्रॉपर आंसर। सो डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीवन अबाउट एनीथिंग, बिकॉज यहाँ पे कैसे कि द कस्टमर सर्विस यूजुअली नाइस एज पर माई एक्सपीरियंस टिल नाउ। कभी कभार फ़ोन का बिल ज़्यादा आ जाता है, यू नो लाइक समटाइम्स यू बाई मिस्टेक यू मेक एन इंटरनेशनल कॉल, आपको पता नहीं होता, बट देन एटलीस्ट यू गेट दैट क्लैरिफिकेशन, तो फिर आप नेक्स्ट टाइम वो गलती ना करो। इलेक्ट्रिसिटी में जैसे हमें मदद मिली, तो डोंट हेजिटेट टू कॉल एनी वन, जस्ट गेट ऑल योर प्रॉब्लम सॉल्व एंड आई थिंक लिविंग योर देन वुड प्रॉब्ली बी ईजियर। तो डर के मत रहो, यू ऑल्सो यू नो लाइक यू शुड जस्ट यूज़ एवरीथिंग
दैट इज़ अवेलेबल फॉर यू फॉर योर ओन गुड. एंड बस आई थिंक आज के व्लॉग के लिए इतना ही रखते, छोटा सा अपडेट देना था. अभी आने वाले वीकेंड में आई प्रॉब्ली ट्राई टू एक्सप्लोर समथिंग मोर एंड समथिंग मोर एक्साइटिंग फॉर यू गाइज. सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑल्सो डू फॉलो माई इंस्टाग्राम, देयर विल बी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो मिलता हूँ उसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन एंड पीस आउट.